नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों, हमने बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में चैप्टर 4 में टैक्सोनॉमी पढ़ा था और आज का चैप्टर 5 प्लांट फिजियोलॉजी है, जो हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के कौन से क्वेश्चन हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन परासरण है, इसका राइट आंसर होगा अर्धपरागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। नेक्स्ट, बीज का फूलना वर्षा ऋतु में दरवाजों का फूलना होता है, इसका राइट आंसर होगा अंत शोषण के कारण। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन होता है, इसका राइट आंसर होगा जाइलम द्वारा। नेक्स्ट, धान का खैरा रोग लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है, इसका राइट आंसर होगा जस्ता। नेक्स्ट, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है, इसका राइट आंसर होगा MO। नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, इसका राइट आंसर होगा पूरे पौधे में। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। निम्न नमी और उच्च तापमान होने पे वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा। नेक्स्ट, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, इसका राइट आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। अगर सबसे कम पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा हरे रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी अंग है, इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में इसका राइट आंसर होगा CO2 का उपयोग होता है और O2 यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और तब पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट, पेड़ एवं पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तंतु सहायक है, इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा भी होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट, ATP है, इसका राइट आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद क्रमशः हैं, इसका राइट आंसर होगा CO2 जल तथा इथाइल एल्कोहल। ऑक्सी जो होता है वो CO2 और जल है और अनऑक्सी इथाइल और एल्कोहल है। नेक्स्ट, फल पकाने वाला हार्मोन है, इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। नेक्स्ट, बौने पौधे को लंबा करने वाला पादप हार्मोन जो फूल बनने में भी मदद करता है, इसका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कवक से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सी होते हैं पौधे हार्मोन, ये एक पादप हार्मोन है जो ऑक्सीन एक इंडोल एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, इसका राइट आंसर होगा पायरोविक अम्ल। नेक्स्ट, 2,4-D है, इसका राइट आंसर होगा खरपतवार नाशी, ये खेतों में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस पेड़ को वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस। पौधों में जीवन पर्यटन वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सोडियम। नेक्स्ट, छुई मुई की पत्ती में गति होती है, इसका राइट आंसर होगा कंपानुकुंचन गति। नेक्स्ट, सेंड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप की कीट भक्षी पौधों में गति होती है, इसका राइट आंसर होगा स्पर्शानुकुंचनी गति। नेक्स्ट, ऑक्सीनोमीटर का उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर होगा वृद्धि के मापने में। ये था बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। इसी तरह से और भी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।